हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है, अ ट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन। इट्स लेफ्ट एंड इज कनेक्टेड टू द पाइप एंड राइट लिंब इन ओपन टू द एटमॉस्फेयर। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 100 mm बिलो द लेवल ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 मरकरी की बोली गई। साथियों, इन द राइट लिंब, इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन द टू लिम्स इज 160 mm, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द ऑयल इन द पाइप। साथियों, थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, आइए मैं फिगर के साथ आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मैनोमीटर यूज किया गया, U2 मैनोमीटर। तो इसमें जो राइट लिम्ब है वो तो एटमॉस्फेयर से ओपन है, और ये हमारा जो लेफ्ट लिम्ब है वो पाइप में कनेक्टेड है। यहाँ तक ये बोला गया। और जो ऑयल, जो लिक्विड यहाँ पे पाइप में फ्लो रहा है, उसकी स्पेसिफिकिटी 0.85 यहाँ पे दी रखी गई है। अब आगे बात करते हैं, जो सेंटर ऑफ द पाइप है, जो राइट लिम्ब में है, उसका लेवल मरकरी का उससे 100 mm नीचे है। तो यहाँ पे देखिए, जो राइट लिम्ब में मरकरी का लेवल है उससे सेंटर ऑफ पाइप क्या है, 100 mm बिलो है। ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। और आगे हम बात करें यहाँ पे, और कुछ पूछा क्या, इन द राइट लिम्ब, इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब्स, जो डिफरेंस है, एक ये मरकरी लेवल हो गया एक लिम्ब में, एक ये, उसका दोनों का जो डिफरेंस है वो है 160 mm। तो यहाँ पूछा गया, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द ऑयल इन द पाइप। यहाँ पे जो पाइप में उसका एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जा रहा है। साथियों, एब्सोल्यूट प्रेशर हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, जो यहाँ पे इसकी हाइट है वो H1 है, यहाँ पे ये H1 है, और ये हमारी क्या है, H2 है। ये हमारी H2 है, जो सेकंड में जो हमारी मरकरी यहाँ पे है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे H1 की बात करें, H1 कैसे निकालेंगे, H1 इक्वल टू हमारा क्या होगा साथियों, 160 mm माइनस 100 mm, ये हमारा आ जाएगा 60 mm। अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हो जाएगा 0.06 meter। अगर हम H2 की बात करें साथियों, तो हमको H2 आप देख सकते हैं, हमने इसको माना है, जो राइट लिम्ब में मरकरी का जो हाइट है उसको हम माने हैं H2, तो हमारा हो जाएगा 160 mm। तो ये हमारा आएगा टोटल 0.16 meter। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं साथियों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है, जो गेज प्रेशर हम मानते हैं क्या है, H है। अब H की मानते साथ ही इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो हम मान रहे हैं क्या, H, लेट H इक्वल टू क्या है हमारा, गेज प्रेशर। हमने क्या माना साथ ही, देखिएगा, गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, मतलब कि हेड ऑफ वाटर में जो हमारा गेज प्रेशर है पाइप के अंदर, वो हमारा क्या है, H है। अब हम इसी को यहाँ से हम इक्वेटिंग कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक से इसको हम एक डिफरेंस लेवल मान लेंगे, एक बॉटम लाइन मान लेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, और दोनों का प्रेशर क्या होगा, समान होगा, तभी यहाँ पे ये क्या है, जो लेवल है वो क्या है, कि स्टेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग प्रेशर हेड, यहाँ समझिएगा, हम यहाँ पर एक्स लाइन पर क्या करेंगे, प्रेशर हेड को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, जो प्रेशर है वो एच है वाटर हेड के टर्म में, यहाँ पे एच प्लस इसके कारण जो हेड आएगा, जो प्रेशर आएगा वो आएगा H1 और क्या आएगा, S1, क्योंकि हमने इसकी लिक्विड स्पेसिफिकिटी क्या मानी, S1 बराबर इक्वल क्या आएगा, इसके लिए आएगा, तो H2 मल्टीप्लाई बाई S2, क्योंकि मरकरी हमारा क्या है, S2 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। तो हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो H इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस H1 S1। H2 हमारा क्या साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, H2 हमारा 0.16 meter मल्टीप्लाई बाई S2 हमारा 13.6 माइनस H1 हमारा है, H1 अभी हमने निकाला था 0.06 meter मल्टीप्लाई बाय हमारा जो S1 है वो है 0.85। तो यहाँ पे जो H आया साथियों, वो ध्यान दीजिएगा, जो H आया है वो आया है 2.125 meter। ये साथियों, हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, प्रेशर कितना होगा। प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर इक्वल टू, हमको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया है, P इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इंटू हाइट। वाटर क्यों रखा था साथियों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे जो हाइट निकाला, किसकी निकाला, वाटर के टर्म निकाला, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट के रिस्पेक्ट में रखेंगे वाटर में, तो ये हमारा हो गया 9.81 और H हमारा है 2.125। हमने यहाँ जो स्पेसिफिक वेट रखा है साथियों, ये रखा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किसका साथियों, ये है हमारा वाटर का, ये ध्यान दीजिए किसका है, वाटर का हमने स्पेसिफिक वेट रखा है। इसको हमने सॉल्व करते तो आता है 20.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 20.84 क्या आएगा साथियों, 84 किलो पास्कल। अब साथियों, यहाँ पे जो मैजिक आता है, जो यहाँ पूछा गया था वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया था एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमको निकालना है, तो हमको पता है
पी एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी हमारा आता है गेज प्रेशर। तो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको पता है 100 किलो पास्कल होता है प्लस जो गेज प्रेशर हमने निकाला आया 20.84 आया, अभी हमने यहाँ पे जो निकाला ये टोटल सॉल्व करने पर आया 120.84 किलो पास्कल। तो ये हमारा पी एब्सोल्यूट हमने यहाँ निकाल लिया एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये हमारा आंसर आता है साथियों 120.84 किलो पास्कल। साथियों आज का क्वेश्चन यहीं तक था, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपने क्वेश्चन हमारे पास भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराने का। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।